आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगी नई लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति के बारे में। यह मूर्ति खास क्यों है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की एक नई मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति पुरानी मूर्ति से अलग है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब है। मुख्य न्यायाधीश का मानना है कि कानून अंधा नहीं होता बल्कि सभी को समान नजर से देखता है। यह बदलाव इसी सोच का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि न्याय हिंसा के आधार पर नहीं बल्कि संवैधानिक नियमों के अनुसार होता है। पुरानी मूर्ति की आंखों पर पट्टी और हाथ में तलवार कानून की अंधी शक्ति और सजा का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन नई मूर्ति में पट्टी हटाकर यह दिखाया गया है कि कानून सबको देखता और समझता है। तराजू अभी भी मौजूद है क्योंकि यह संतुलन और निष्पक्षता का प्रतीक है। यह बदलाव सिर्फ एक मूर्ति का नहीं बल्कि एक सोच का है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह मूर्ति हमारे न्यायिक व्यवस्था में भी उतने ही सकारात्मक बदलाव लाने में सफल होती है जितनी उम्मीदें इस मूर्ति से जुड़ी हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही।